वेल सो गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर लवर फैमिली। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं एक शानदार डे के साथ में। ये है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स। तो ये जो डे है यहाँ पर आप लोग देखते हैं कोऑपरेटिव्स, आपने सुना होगा कि कोऑपरेट कर यार, थोड़ा सा काम कर लेने दे, तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोग बोल सकते हैं। यानी कि एक तरीके से कोऑपरेट करना डिसेंट वर्क के लिए थीम भी यहाँ पर आप लोग को यही देखने को मिल रही है। ये जो डे है ये हर साल सेलिब्रेट किया जाता है फर्स्ट सैटरडे ऑफ जुलाई ईच ईयर। यानी कि कोई फिक्स डे नहीं है, जब भी यहां पर जुलाई का फर्स्ट सैटरडे होगा तो उसमें आप लोग देखेंगे कि ये सेलिब्रेट किया जाता है। अब की बार जो ये डे पड़ा है, ये पड़ा है 6 जुलाई। तो 6 जुलाई को हम लोग सोचा है इसको यहां पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। बेसिक फंडा क्या रहता है कि देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट की बात की जाती है और सोशल जस्टिस की बात की जाती है। आप लोग ऐसा बोलिए कि एक सोसाइटी को एक इंसानों वाली सोसाइटी बनाने की कोशिश की जाती है, जानवरों की तरह लोग बिहेव न करें। हमारी कंट्री के बारे में आप लोगों को बता होगा, थोड़ा सा जान लेते हैं, ये क्वेश्चन भी कई बार बन जाता है। 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हमारी कंट्री में आया 2011 में। 2011 में जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया, इसके थ्रू जो पार्ट 4 है हमारे संविधान का, जिसको आप लोग बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इस पार्ट पर हम लोगों ने 43B ये आर्टिकल इसमें ऐड किया गया। आप लोगों को मैंने बताया था जब पॉलिटी हम लोग पढ़ रहे थे, कोई भी कैपिटल वर्ड यहां पर लिखा हुआ आर्टिकल में, इसका मतलब होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत उसको ऐड किया गया है। तो ये जो यहां पर ऐड किया गया था, यहां पर हमारी कंट्री में संविधान में, ये आप लोगों को बताया, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से वर्ड यहां पर ऐड किया गया था। ठीक है, तो ये शब्द भी अगर आप लोगों को देखने को मिले कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो ये हमारे संविधान का पार्ट आज के डेट में बन चुका है, जो कि 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट देखने को मिल रहा है। तो यहां पर हम लोग बात करें कोऑपरेटिव्स के बारे में। ठीक है, तो किस तरीके से कोऑपरेट कर सकते हैं, तो थोड़ा सा कोरिलेट करके सोचा आप लोगों को बैकग्राउंड बता दूं। ऐसी चीजें आप लोगों ने क्या किया कीजिए, कनेक्शन बनाने की कोशिश किया कीजिए, जहां पर भी आप लोग कनेक्शन बना सकते हैं, क्योंकि हमारा माइंड एक ऐसी चीज होता है कि उसमें आप लोगों को अगर लिंक बनाकर चीजों को याद रखेंगे तो बहुत लंबे समय तक याद रख पाएंगे। और एग्जाम में ये सारी चीजें तभी याद आती हैं आप लोगों को, जब किसी के साथ में आप लोग इनको लिंक कर चलते हैं। कुछ चीजें फ्रीक्वेंटली पढ़ते हुए चले जाएंगे तो भूल जाएंगे। तो कोशिश कीजिए जो भी आप लोग पढ़ते हैं उसके माइंड में पिक्चर बना बनाकर चलते रहिए। तो यही है कि किस तरीके से हम लोग अपनी पार्टनरशिप को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, कोऑपरेटिव मूवमेंट चला सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, यहां पर किस तरीके से गवर्नेंस को हम लोग अच्छा बना सकते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, इसके ऊपर फोकस दिया जाता है। लोकल, नेशनल, ग्लोबल लेवल पर जो पॉलिसी मेकर हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, इसी के साथ में जो ऑर्गेनाइजेशन है इससे रिलेटेड या फिर पब्लिक है जनरल, ये सब मिलकर कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एक अच्छा एनवायरमेंट बनाकर काम करने का। यानी कि देखिए, अगर आप लोग चीजों को आगे लेकर चलना चाहते हैं तो सबसे पहले ये है कि एक ऐसा एनवायरमेंट बनाइए ताकि आप लोग वहां पर काम कर सकें। अगर ऐसा एनवायरमेंट ही नहीं होगा तो काम कैसे कर पाएंगे। तो एक अच्छी कंट्री, अच्छा वर्ल्ड, अच्छी सोसाइटी बनाने के लिए जरूरी है कोऑपरेशन एक दूसरे का। नेक्स्ट आप लोगों के सामने यहाँ पर क्विज है जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है, इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। और हाँ, कई सारे बच्चे ये बोल रहे हैं, मैं कई दिनों से आप लोगों के जैसे कमेंट पढ़ रहा हूँ कि सर ये जो नैनो मैगजीन थी पहले जैसी ही सही थी, एक दिन पहले पता चल जाता था कौन सा इंपॉर्टेंट डे है, कई सारी न्यूज भी पहले ही पता चल जाती थी, तो इससे एक दिन पहले ही इसको रखो। आप लोग इसके बारे में क्या सोच रहे हैं कि क्या ये सही है। यानी कि जैसे कि आज है यहाँ पर, क्या है आज यहाँ पर 6 जुलाई, तो आज पहले मैं ये किया करता था कि आज के दिन कल वाली आप लोगों की नैनो मैगजीन आ जाती थी, तो इससे कई सारी चीज आप लोगों को पहले ही पता चल जाती थी। तो इसकी वजह से कई सारे बच्चे मुझे रेगुलर कमेंट करेंगे सर हम देख भी नहीं पा रहे हैं इसकी वजह से, तो मतलब क्या आप लोगों को सही लग रहा है। अगर ऐसा ही है तो आप लोगों को फिर से पहले वाले पैटर्न में नैनो मैगजीन मिलनी स्टार्ट होने वाली है। अगर मुझे लगता है कि हाँ ये सही आप लोगों को लग रहा है, एक दिन पहले पता चल जा रही है चीजें, तो उससे क्या रहता है आगे जैसे उसके बारे में बातें होती है तो आप लोग पहले से जान रहे होते हैं उसके बारे में। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या वो सही है, क्या आप लोग चाहते हैं कि पहले वाले पैटर्न पर आ जाए, इससे जो नहीं देख रहे हैं वो भी कम से कम देख पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आज के डेट में पढ़ रहा हूं, कई सारे तो मेल भी कर रहे हैं मुझे। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करना है, आप लोग अपना व्यू बता सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं याचिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बारे में। ये मल्टी क्लास रैंकिंग सेलिंग चैंपियनशिप है जो कि यहां पर आप लोगों को हमारी कंट्री में तेलंगाना में देखने को मिलती है। तेलंगाना में भी दो एरिया में, एक तो है हैदराबाद, दूसरा है सिकंदराबाद। तो आप लोगों को ये बताना है कि कौन सी लेक पर यहां पर ये देखने को मिलती है, और काफी ओल्डेस्ट यहां पर ये एक कॉम्पिटिशन है जो कि देखने को आता है। तो यहां पर लेक का नाम आप लोगों को बता होना चाहिए। हिमा दास अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप इनके द्वारा जीता गया 200 मीटर गोल्ड। कहां, किस में जीता गया, यह है पोंजनन एथलीट ग्रांड प्रिक्स। तो कहां पर यह हो रही थी इसके बारे में आप लोगों को बताना है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने पार्टनरशिप की है अभी एक किसी कंट्री की ऑर्गेनाइजेशन के साथ में। तो ये क्या है, यहां पर ये फोकस दे रही है कि कल को अगर ग्लेशियर जो लेक है उनका आउटब्रस्ट हो जाता है, जो फ्लड आती है, तो उसको कैसे टैकल करना है, तो उसके मैनेजमेंट के लिए, उसके लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रही है, इनके उसके बारे में सोच रही है। तो 2 दिन का इवेंट था यहां पर ये न्यू दिल्ली में, तो किसके साथ मिलकर ये काम किया जा रहा है ये बताना है।
कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा यह बोला गया कि फिर से रशिया को बोलो कि फिर से रशिया को सपोर्ट करो ताकि वो भी यहां पर पार्टिसिपेट कर सके, और जिस तरीके से उसने क्रीमिया को एनेक्स किया था, गलत तरीके से क्रीमिया को हड़प लिया था, उसको साइड में रखते हुए चीजों को फिर से इसके साथ काम करना स्टार्ट करने की बात की, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये बताना है आप लोगों को। इंडियन एयरफोर्स के द्वारा यहां पर पार्टिसिपेट किया जाता है मिलकर, ये एक एक्सरसाइज का नाम आप लोगों को बताना है जिसमें यहां पर दोनों मिलकर काम करते हैं, तो यह एक्सरसाइज का नाम गुरुड़ा, तो कौन कौन यहां पर मिलकर काम कर रहे हैं ये बताना है। नेक्स्ट आप लोगों को यहां पर बताना है ये जो एनालिसिस है फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के बारे में बात की जा रही है, तो ये जो है किसके द्वारा यहां पर ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई रिसेंटली अभी इंडियन बच्चों के बारे में, ये आप लोगों को बताना है कि जो स्टंटेड रहने वाले हैं ये काफी लंबे समय तक स्टंटेड रहने वाले हैं, तो कब तक ये स्टंटेड रहने वाले हैं एग्जैक्टली आप लोगों को ये बताना है कि हां एक में से मतलब ये बताना है कि तीन में से एक बच्चा स्टंटेड रहने वाला है आने वाले टाइम तक भी, तो यहां पर आप लोगों को ये बताना है कि किसके द्वारा ये बताया गया पहली बात, और दूसरी कब तक ये स्टंटेड रहने वाला है, तो दोनों ही बात आप लोग यहां पर बता सकते हैं। आइए आगे चलते हैं, आंसर देखते हैं, आंसर है आप लोगों के सामने एक एक कर आंसर यहां पर देखते हैं। सबसे पहले ये हुसैन सागर लेक जहां पर ये आप लोगों को याच का कंपटीशन देखने को मिला सिकंदराबाद और हैदराबाद में। नेक्स्ट हिमा दास के द्वारा जहां पर ये गोल्ड जीता गया ये पोलैंड में चैंपियनशिप हो रही थी जिसको पोंज नन एथलीट ग्रांड प्रिक बोला जाता है। नेक्स्ट यहां पर जो बात की जा रही है ये हम लोगों ने काम किया हमारी कंट्री की नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट ऑथोरिटी ने मिलकर काम किया स्विस एजेंसी, तो स्विस एजेंसी जो कि जिसको बोलते हैं डेवलपमेंट एंड द कोऑपरेशन, ठीक है, तो इसका नाम याद रख सकते हैं। पार्लियामेंट्री असेंबली ऑफ काउंसिल ऑफ यूरोप इसके द्वारा यहां पर बात की गई कि रशिया को फिर से रिस्टोर किया जाए उसका वोटिंग राइट। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है फ्रांस के बारे में, फ्रांस के साथ मिलकर हमारे द्वारा काम किया जा रहा है जो कि ग्रूडा एक्साइज है, और ये अब की बार की एक्साइज 1 से लेकर 12 जुलाई तक ये फ्रांस में चल रही है, तो ये भी इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है। नेक्स्ट यहां पर 2022 तक बोला गया है कि यहां पर एक में से तो तीन में से एक बच्चा इंस्टेंटेड रहने वाला है, तो ये जो है हमारी कंट्री की प्रोग्राम एंड स्टेटिक जो इंप्लीमेंटेशन है जो हमारी कंट्री की मिनिस्ट्री है तो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर काम कर रही है जिसका नाम है यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, तो स्टेटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री, और उन्होंने यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। आइए आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट न्यूज देखते हैं डिटेल में, यहां पर आप लोगों को कई सारी बातें जानने को मिलने वाली है। सबसे पहले बात कर रहे हैं तेलंगाना गवर्नमेंट के बारे में, तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा यहां पर अभी जापानीज जिसको बोला जा रहा है मियावाकी, ये एक तरीका मेथड है जिसके थ्रू अगर आप लोग पौधे लगाते हैं तो यहां पर पौधे वो एक तरीके से फॉरेस्टेशन अगर करते हैं यानी कि अर्बन फॉरेस्ट अगर आप लोग बढ़ाते हैं तो वो काफी जल्दी से बढ़ जाएगा, तो ये जो प्रोग्राम है तेलंगाना के अंदर तेलंगाना कु हरिता हरम तो TKHH तो इसके तहत यहां पर ये जापानीज मेथड को यूज करने की बात की जा रही है। ये जो जापानीज मेथड टेक्निक है ये जापानीज बोटनिस्ट है यहां पर जिनका नाम है अकिरा मायावाकी, ठीक है, तो इनके द्वारा यहां पर ये मेथड खोजा गया। इस मेथड के थ्रू मान लीजिए कोई फॉरेस्ट अगर उगाना है तो लगभग 200 से 300 साल लग जाते हैं पूरा फॉरेस्ट को ग्रो होने में, पर लेकिन इस मेथड के थ्रू यहां पर ये बोला जा रहा है कि 20 से 30 सालों के अंदर अंदर यहां पर ये फॉरेस्ट अच्छा हो जाएगा, तो काफी कारगर मेथड है, तो देखते हैं किस तरीके से हम लोग फॉरेस्ट कवर यहां पर कर पाते हैं। तो कहां किसके द्वारा किया गया, पहला क्वेश्चन तेलंगाना के द्वारा, कौन है पर्सनैलिटी, जापानीज पर्सनैलिटी है, कौन सी स्कीम है यहां पर, ये TKHH ये स्कीम का नाम आप लोग याद रखते हैं, कितना टाइम लगता है 20 से 30 साल में फॉरेस्ट हो जाते हैं जबकि इसके थ्रू अगर करेंगे तो 200 से 300 साल लग जाते हैं, तो ये 3-4 क्वेश्चन एक ही पॉइंट से आप लोग के बन जाएंगे। आगे चलता हूं, नेक्स्ट यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट है, यह स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, एजुकेशन रिपोर्ट खासकर किस बच्चों के लिए, ये है चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी यानी कि जिनको कोई ना कोई किसी तरीके की डिसेबिलिटी देखने को मिलती है, ये यूनेस्को के द्वारा अभी प्रस्तुत की गई है हमारी कंट्री में न्यू दिल्ली में, तो यूनेस्को के द्वारा यहां पर क्या किया गया है, ये एक तरीका प्रोग्राम आप लोग बोल सकते हैं जो कि यहां पर ऑर्गेनाइज कराया गया है, तो इसमें जो बेसिकली है लगभग 200 यहां पर ये रिप्रेजेंटेटिव थे गवर्नमेंट सिविल सोसाइटी, तो अलग अलग पार्टनर थे सब मिलकर यहां पर काम कर रहे थे, तो इसमें पब्लिश जो किया गया इसमें ये फर्स्ट एडिशन था इसका, और बोला जा रहा है कि इसी में यहां पर आने वाले टाइम में क्या एजुकेशन की सिचुएशन है बच्चों की, खासकर जो डिसेबल बच्चे हैं उसको ध्यान में रखते हुए आगे और भी इसके ऊपर फोकस दिया जाएगा, क्योंकि राइट टू एजुकेशन की तो बात करते हैं पर राइट टू एजुकेशन विद डिसेबिलिटी जो चिल्ड्रन है उनके बारे में एक स्पेशल फोकस यहां पर देने की जरूरत है, यानी कि एक तो नॉर्मल बच्चा है, एक को किसी ना किसी तरीके की डिसेबिलिटी है, चल नहीं पाता है, कोई हाथ में प्रॉब्लम है या फिर कोई और सुन नहीं पाता है, देख नहीं पाता है, तो उनको थोड़ा अलग से स्पेशलाइज वे में आप लोगों को फोकस देकर चलना पड़ेगा, तो यूनेस्को के द्वारा यह फोकस देने की बात की जा रही है। यूनेस्को की अगर बात करें तो ये है यहां पर जिसको आप लोग जान सकते हैं, इसकी फुल फॉर्म भी आप लोगों को पता होना चाहिए, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड द कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये जो है यहां पर ये ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली बनाई इसीलिए गई थी कि किस तरीके से इन सब चीजों पर फोकस देकर चलना है, और ये 1945 से पिक्चर में है, पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है, और इसके अलावा अगर बात करें तो यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसके बारे में ये बातें आप लोग याद रख सकते हैं। आगे चलता हूं, नेक्स्ट जो बात की जा रही है अकॉर्डिंग टू ये है
इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ जिसको आप लोग बोलते हैं, आईएलओ के द्वारा यहां पर ये बोला गया। देखिए आज की डेट में दो तरीके के लोग हैं, एक तो वो लोग हैं जो एसी में रहते हैं अपनी जिंदगी को अच्छे से एंजॉय करते हैं, दूसरे वो लोग हैं जो जिनके पास में एसी वगैरह नहीं है जो काम करते हैं, या फिर एक आप लोग बोल सकते हैं जो एक तो वो हैं जो टेम्परेचर कंट्रोल करके अपना ऐसा इन्वायरमेंट बनाते हैं कि आराम से काम कर सकते हैं, दूसरे वो हैं जिनका टेम्परेचर कंट्रोल करने का कोई साधन नहीं है, यानी कुछ ऑफिसेज ऐसे हैं जहां पर आप लोग काम करते होंगे एसी वगैरह होगी, कुछ लोगों के घर में भी एसी होगी आराम से वो एंजॉय कर रहे होंगे, पर लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके घर में ओनली फैन से काम चलाना पड़ता है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके घर में फैन भी नहीं है। तो अगर तीनों को आप लोग यहां पर कंपेयर करते हो तो तीनों की प्रोडक्टिविटी अलग अलग देखने को मिलेगी। जिसके घर में एसी है तो उसको गर्मी की कोई मतलब ही नहीं है, टेंशन ही नहीं है, जब चाहे सोएगा, जब चाहे उठेगा और जब चाहे काम करेगा, पर लेकिन जिसके घर में पंखा है ओनली तो गर्मियों में तो हालत खराब है, और जिसके घर में कुछ भी नहीं है उसकी आप लोग सोचिए। तो यहां पर ये वाला जो इंसान है ये अच्छे से काम कर पाएगा, एसी वाला जो पंखे वाला है वो भी ज्यादा प्रोडक्टिविटी रहेगी जिसके उसके कंपेयर में जिसके घर में कुछ भी नहीं है। तो यहां पर प्रोडक्टिविटी की बात की गई है कि जो वर्किंग कंडीशन है वो भी काफी ज्यादा डिसाइड करती है कि प्रोडक्टिविटी कैसे रहनी है। और इंडिया में अगर आप लोग देखेंगे मैक्सिमम जो गर्मी रहती है उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। बच्चे जो होते हैं खासकर जो पढ़ना चाहते हैं गर्मी की वजह से पढ़ नहीं पाते हैं, बहुत ज्यादा उमस बन जाती है, काफी प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिलती है। सेम प्रॉब्लम आप लोगों को एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में लेबर का देखने को मिलेगा। गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है कि जो एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं वो लोग, और जो खासकर कंस्ट्रक्शन सेक्टर में यानी कि जो बिल्डिंगें बनाई जा रही है, रोड बनाई जा रही है, डैम बनाए जा रहे हैं, उस फील्ड में काम कर रहे हैं वहां पर भी लेबर को काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, और उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी काफी ज्यादा कम हो जाती है। तो ये बात बोली गई इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इसके द्वारा आप लोग क्या सोचते हैं, क्या रियलिटी है ये? आप लोगों ने खुद भी फील किया होगा जब अच्छा मौसम रहता है, बारिश हो जाती है, फिर सर्दियों में, इसीलिए बोला जाता है कि सर्दियों के जो दिन होते हैं वो शानदार होते हैं पढ़ाई के लिए, तो इसीलिए आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। वैसे अगर सर्दियों में भी देखा जाए तो एक बात ये बोली जाती है कि कम से कम जिनके घर में अच्छे से सारी चीजें हैं वो आराम से वहां पर सर्दियों का भी टेम्परेचर नॉर्मल रख पाते हैं, पर लेकिन हाँ एक अच्छी बात है, गर्मियों से ज्यादा बेटर है सर्दी। देखिए मुझे तो पर्सनली सर्दियां ज्यादा बेटर लगती हैं, ठीक है, बाकी आप लोगों का जो भी हो, गर्मी में मतलब मुझे कुछ नॉर्मल आदमी से ज्यादा ही कुछ पसीना आ जाता है। जब कभी बाहर में जाता हूं तो मुझे नॉर्मल आदमी देखते हैं मुझे कि यार इस इंसान को कितना पसीना आता है, मैं खड़ा भी रहता हूं ना तो मुझे काफी ज्यादा पसीना आता है, तो पता नहीं जो भी है बोलते हैं कि मेरी शरीर की जो तासीर है वो थोड़ी गर्म है, वो एक अलग बात है, लेकिन ये कंडीशन है मेरे साथ में, ठीक है, तो इसलिए मुझे सर्दी ज्यादा अच्छी लगती है, तो मेरी बॉडी का टेम्परेचर सही रह पाता है। तो एक तरीके से ये भी है मेरे लिए, जब नॉर्मल टेम्परेचर मुझे मिलता है मैं ज्यादा इफेक्टिवली काम करता हूं। तो आप लोग अपने बारे में बता सकते हैं कि आप लोगों को क्या लगता है इसके बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर यूएसए इंडिया की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में। तो यहां पर अभी मास्टर कार्ड के जो सीईओ हैं, आप लोगों के पास में जो भी कार्ड है उस पर देखिए कई बार आप लोगों ने दिखा होगा मास्टर कार्ड, ठीक है, तो उसके प्रेसिडेंट यहां पर यह है अजय बंगा, और विप्रो के जो चेयरमैन अजीम प्रेम जी, इन दोनों पर्सनैलिटी को चुना गया है ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड के लिए जो 2019 का दिया जाना है। यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के तहत यहां पर जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ये स्टेब्लिश की गई थी 2017 में। ये यहां पर फोकस देकर ऐसे चलती है कि यहां पर जो ग्लोबल लीडर है किसी पर्टिकुलर फील्ड में उनको यहां पर चूज किया जाता है, ठीक है, तो ये यहां पर रहता है। तो इंडिया और जो यहां पर यूएसए के बायलेटरल रिलेशन है उससे भी यहां पर इसको काफी बढ़ावा मिलता है। तो जो यहां पर USISFPF, ठीक है, यानी कि यूएसए इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम, इसका जो सेकंड एनुअल लीडरशिप समिट है यहां पर, ये वॉशिंगटन में देखने को मिला है, कब मिल रहा है, 11 जुलाई को, ठीक है, तो यहां पर ये अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, तो इनके बारे में आइडिया रख सकते हैं। आगे चलता हूं, नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है शोएब मलिक के बारे में। तो शोएब मलिक को तो आप लोग वैसे भी जानते होंगे, क्या रिलेशन है शोएब मलिक का हमारी कंट्री के साथ में, नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं। शोएब मलिक के द्वारा अपना जो रिटायरमेंट है वो दे दिया गया, क्योंकि आप लोगों को पता है कि क्या कंडीशन है आज की डेट में, क्या कंडीशन है नहीं, क्या कंडीशन हुई है आज की डेट में। अगर बात करते हैं जो यहां पर जो वर्ल्ड कप चल रहा है, ठीक है, तो उसमें आप लोग देखने को मिलेगा, यूके में वर्ल्ड कप अभी आप लोगों को देखने को मिल रहा है, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। तो इनके द्वारा रिटायरमेंट अनाउंसमेंट कर दिया है, अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही, जो बांग्लादेश के खिलाफ मैच चला था उस टाइम पर देखने को मिला 5 जुलाई को। शोएब मलिक के द्वारा जो डेब्यू किया गया था ये 1999 में, यानी कि 1999 में किया गया था अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, तो ये टेस्ट डेब्यू था इनका। और फिर इसके साथ में अगर बात करेंगे, नेक्स्ट जो बात की जा रही है, जो टेस्ट का जो डेब्यू किया गया था ये बांग्लादेश के खिलाफ किया गया था 2001 में, बाकी टेस्ट क्रिकेट से पहले अनाउंसमेंट कर चुके हैं अपना 2015 में, अब इनके द्वारा वनडे से भी अनाउंसमेंट कर दिया गया है, ठीक है, तो हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। टॉप स्कोर जो इनका है वह 143, ठीक है, बाकी आप लोग बताइए हमारी कंट्री के साथ में इनका क्या रिलेशन है, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके, आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में, आईएमएफ। आईएमएफ के बारे में आप लोगों को बताया, काफी ज्यादा न्यूज में रहता है, काफी सारी कंट्री को फायदा पहुंचाता है जब बात आती है आईएमएफ का लोन देने की। तो इसी की जो डायरेक्टर है यहां पर, यह कृष्णा लिगार्डे, तो कृष्णा लिगार्डे को नया हेड कन्फर्म किया गया है, यह है यूरोपियन सेंट्रल बैंक ईसीबी का, ठीक है, तो ये याद रखते हैं, फर्स्ट वुमेन होगी जो कि पावरफुल इंस्टीट्यूशन को यह हेड करने वाली है। अगर बात करें यहां पर आईएमएफ के बारे में,
तो इसके बारे में आप लोग थोड़ी सी इंफॉर्मेशन रख सकते हैं। IMFS जो यहाँ पर इसका शॉर्ट फॉर्म है, इंटरनेशनल, जो IMFS का शॉर्ट फॉर्म है, इसको जो फुल फॉर्म बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। जो ये गठन किया गया था 1945 में, इसका गठन किया गया था वॉशिंगटन डीसी यानी कि यूएसए के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। 189 कंट्री इसका आज के दिन में मेंबर है, इंडिया भी उनमें से एक पार्ट है। और कृष्णा लिगाडे जो कि आप लोगों के सामने है, ये यहाँ पर इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर है। आखिर क्यों इसके बारे में बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारी कंट्री की गीता गोपीनाथ यहाँ पर चीफ इकोनॉमिस्ट है, जो कि काफी न्यूज में थी रिसेंटली। और इसकी पिताश्री ऑर्गेनाइजेशन कौन है, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन वो यहां पर है इसकी यूनाइटेड नेशन, ठीक है। तो ये कुछ बातें इसके बारे में याद रख सकते हैं। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज के बारे में। तो एक न्यूज का एक बच्चे ने कमेंट बॉक्स में पूछा था, सर इसको डिटेल में बता दीजिए क्योंकि कंफ्यूजन है इसके बारे में थोड़ा सा। तो जान लेते हैं इसके बारे में डिटेल में थोड़ा सा। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, जिसको आप लोग यूएनएससी बोलते हैं। अभी रिसेंटली न्यूज में क्यों है, क्योंकि इंडिया के द्वारा यहाँ पर एज ए यहाँ पर नॉमिनी इंडिया को यहाँ पर सपोर्ट किया गया 55 मेंबर एशिया पैसिफिक के, ताकि यूनाइटेड नेशन में नॉन परमानेंट मेंबर सीट हम लोगों को मिल सके, यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 2 साल के लिए यहां पर ये सीट मिलनी है 2021-22 के लिए। आखिर क्यों हमारे लिए फायदा है 2021-22 के लिए, ये जो सीट मिलने वाली थी अफगानिस्तान को, तो अफगानिस्तान को हम लोगों के द्वारा रिक्वेस्ट किया गया क्योंकि हम चाहते हैं कि यूएनएससी में जब हमारी कंट्री की 75वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाए, तो उस टाइम पर हम लोग यूएनएससी का पार्ट हो एज ए नॉन परमानेंट मेंबर, ताकि हमारा यहाँ ये सेलिब्रेशन भी हो सके, तो हमारी कंट्री की आजादी के 75वें साल का पास। अच्छी बात यहाँ पर पता है क्या, वो ये है कि चाइना और पाकिस्तान के द्वारा भी हम लोगों को यहाँ पर सपोर्ट किया गया है, तो ये कहीं ना कहीं आप लोग एक अच्छी बात बोल सकते हैं कि मिलकर काम कर रहे हैं। 55 एशिया पैसिफिक जो ग्रुप है, यहां से हमारा एज ए नॉमिनेशन हम लोग निकल कर आ चुके हैं। अब यहां पर नेक्स्ट जो इलेक्शन ये यूएनएससी के अलग इलेक्शन हो गए यहां पर, तो वहां पर देखने को मिलेगा क्या हम लोगों को ये सीट मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। अगर देखा जाए तो कैंडिडेसी के लिए कोई ज्यादा चैलेंज हम लोगों को यहां पर देखने को मिलने वाला है नहीं, ये बात की जा रही है। 193 मेंबर है आज के डेट में, तो 2/3 मेंबर जो है उनका वोट यहां पर देखने को मिलने वाला है। इंडिया इससे पहले कब कब यहां पर मेंबर रह चुके हैं, तो 7 टाइम हम लोग ऑलरेडी मेंबर रह चुके हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, 7 टाइम मेंबर रह चुके हैं 1950 से लेकर 51 तक, 67 से लेकर 68 तक। अगर चलिए इंग्लिश में कई सारे बच्चे बोलते हैं सर ये भी एक अलग ही विडंबना है, अगर मैं ऐसे बोलता हूँ ना कि 1950 से लेके 52 तक, मतलब कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो थोड़ा सा ये नहीं है कि नंबरिंग वगैरह नहीं समझ पाते, तो ये थोड़ी चैलेंज जो है ना आप लोगों को, इनको जरूर आप लोग क्लियर करा करो, ठीक है। 1950 से लेके 51 तक, 1960 से लेके 1968 तक, 1972 से लेके 1973 तक, 1977 से लेके 1978 तक, 1948 से लेके 1985 तक, 1991 से लेके 1992 तक, और लास्ट जो था हमारा ये था ये 2011 से लेके 2012 तक, यानी कि 2011 से लेके 12 तक। अब फिर हम लोग यहां पर 10 साल बाद यानी कि 21 से लेके 22 तक हम लोग यहां पर मेंबर बनने वाले हैं। कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं। टोटल मिलाकर यहां पर 10 नॉन परमानेंट मेंबर है, 2 साल के लिए इनको चुना जाता है और 5 है परमानेंट मेंबर। परमानेंट मेंबर और नॉन परमानेंट मेंबर में क्या डिफरेंस है, परमानेंट मेंबर हमेशा वही रहेंगे, कोई चेंज नहीं करेगा, इसीलिए नाम परमानेंट मेंबर है। उनके पास में वीटो पावर होती है, जो कि यहां पर आप लोगों को देखने को मिली, किसी भी जो कोई भी मुद्दा आता है कि एक भी मेंबर अगर रोक देगा तो वो वहां पर रुक जाएगा। जैसे मसूद अजहर को हम लोग पार्ट बनाने की कोशिश कर रहे थे काफी लंबे समय से, पर पार्ट नहीं बना पाए क्योंकि चाइना नहीं चाह रहा था वहां पर, तो इसलिए समझ सकते हैं आप लोग यहां पर यह जो यहां पर मेंबर है, यह यूएस यूके रसिया और चाइना और फ्रांस, तो 5 मेंबर है टोटल मिलाकर जो कि आज के डेट में इसके परमानेंट मेंबर है, वीटो पावर है जिनके पास में। बाकी जो 10 सीट हैं इनके बारे में आप लोग याद रखिए, 3 जो हैं यहां पर 10 में से जो 3 सीटें हैं ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के लिए, 2 सीट हैं ये एशिया पैसिफिक कंट्रीज के लिए, ठीक है, एशिया पैसिफिक कंट्रीज के लिए। इनमें से अगर देखेंगे 1 सीट आप लोगों को देखने को मिलेगी ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री के लिए, 2 सीट आप लोगों को देखने को मिलेगी लेटिन अमेरिकन और कैरेबियन कंट्री के लिए, और 2 सीट आप लोग यहां पर देखने को मिलेगी वेस्टर्न यूरोपियन एंड अदर कंट्रीज के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल 10 सीट का यहां पर इनके द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, 5 यहां पर ये हो गई, 2 यहां पर ये हो गई, ठीक है ना, और 2 ये हो गई और 1 ये हो गई। तो टोटल मिलाकर इस तरीके से आप लोग यहां पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं इसको कि कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है। एक काफी इंटरेस्टिंग यहां पर पॉइंट ये है कि अगर बात करें अफ्रीका और एशिया के बीच में, एक ही अंडरस्टैंडिंग है, इनफॉर्मल आप लोग बोल सकते हैं, ये डॉक्यूमेंट में नहीं है, कि अरब कंट्री जो है, अरब वर्ल्ड जो है, उनके लिए एक सीट यहां पर ये सिक्योर रखते हैं, जैसे सऊदी अरेबिया वाला ये आप लोग एरिया देखेंगे, तो यहां पर जो अरब वर्ल्ड है तो यहां पर एक सीट उनके लिए यहां पर छोड़ दी जाती है, यानी कि उनके लिए रिजर्व रखी रहती है, तो ये एक पॉजिटिव बात यहां पर बोल सकते हैं। तो हल्का सा आइडिया इसके बारे में आप लोगों को होना चाहिए, बाकी मैंने आप लोगों को बता ही दिया।
यहाँ पर थोड़ा सा और ध्यान से आप लोग सुन सकते हैं, नॉन परमानेंट मेंबर यहाँ पर टू ईयर के लिए यहाँ पर होते हैं, बाकी आप लोगों के सामने है कि सीट कैसे कैसे इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। परमानेंट फाइव आप लोगों को बताया, चाइना, फ्रांस, यूएसए, यूके एंड यूएसए, ठीक है, यूके और यूएसए और रसिया, ठीक है। तो ये कुछ बातें होगी, बाकी हम सारी सब चीजें हम लोगों ने देख ही ली। आइए आगे बढ़ते हैं, तो आई होप कि अब आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी होगी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर बैंकिंग और इकोनॉमी के बारे में, तो काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट न्यूज है यहाँ पर। ये बात की जा रही है यूके सिन्हा के बारे में। यूके सिन्हा के द्वारा रिकमेंड किया गया कि 5,000 करोड़ रुपए जो डिस्ट्रेस एसेट फंड है, खासकर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के लिए यहाँ पर रिकमेंड किया गया है, यानी कि जो एमएसएमई वाला सेक्टर है इसके लिए 5,000 करोड़ रुपए हम लोग को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये कमेटी सेटअप की गई थी, यूके सिन्हा और यूके सिन्हा सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि सेबी के जो फॉर्मर, यहाँ पर इनका नाम याद रखते हैं, जो सेबी है उसके ये फॉर्मर चेयरमैन है। आज की डेट में चेयरमैन कौन है? आज की डेट में अजय त्यागी, जो कि कई बार आप लोगों को मैं बता भी चुका हूं। तो ये जो फॉर्मर चेयरमैन है यहाँ पर, इनके अध्यक्षता में एक कमेटी सेटअप की गई थी, कैसे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो कई सारी बातें बोली गई। सबसे पहले तो बोला गया कि 5,000 रुपए रिकमेंड किया गया कि 5,000 रुपए आप लोगों को देने हैं यहाँ पर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के लिए, जिससे कि यहाँ पर जो सिचुएशन है उसको कंट्रोल किया जा सके। और खासकर देखिए यहाँ से फायदा भी क्या होने वाला है, खासकर अगर यहाँ पर फंड दिया जाएगा तो कई सारे एरिया है कि हम लोग उसको अच्छे से पैटर्न में लेकर आ पाएंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर फोकस देने की बात की जा रही है। तो रिजल्ट क्या निकल सकता है, कई बार नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो होते हैं उसको भी यहां पर कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। इसके लिए यहां पर एक काफी अच्छी बात है कि नॉन कोलेट्रल जो यहां पर लोन दिया जाता था वो यहां पर अब यहां इसको बोल दिया गया कि लिमिट कर दो इसको 20 लाख तक। कोलेट्रल का मतलब क्या होता है, यानी कि कुछ उधारी रखकर जो लोन दिया जाना है, यानी कि अगर कोई लोन लेना है तो यहाँ पर आप लोगों के पास में जमीन होनी चाहिए अच्छी खासी, तब आप लोगों को मिलेगा। पर लेकिन जो मुद्रा लोन की बात की जा रही है वो 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख करने की बात की जा रही है, ये एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं। इसके बारे में हम लोगों ने क्वेश्चन भी डिस्कस किया था, आप लोगों को याद आ रहा होगा। बैंक जो है वो इस कर रहा है कि स्पेशलाइज जो एमएसएमई है जो हमारे कंट्री में लीड कर रही है उनके ऊपर फोकस देने की बात की जा रही है, प्रायोरिटी देने की बात की जा रही है, क्योंकि ये वो सेक्टर है जहां पर अच्छे से काम करते हैं और लोकल एरिया पे काफी सारे लोग इसमें लगे रहते हैं। अगर बात करें 50% जो नेट बैंक क्रेडिट है यूनिवर्सल बैंक और 80% जो स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक है वो यहां पर बोला जा रहा है कि टारगेट किया जाए पर्टिकुलर इस एरिया के लिए, तो ये अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं। इसी के साथ में जो लोन पोर्टेबिलिटी है वो भी यहां पर आराम से होनी चाहिए, ताकि देखिए जिसको लोन मिलना चाहिए उसको लोन आराम से मिल सके, ठीक है। लॉक इन पीरियड इसके लिए 1 ईयर का रखने की बात की जा रही है। तो ये कुछ बातें इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। पहले अगर बात करें माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, तो ये हमारी कंट्री में एक लघु और मध्यम उद्योग है जिसके ऊपर हम लोग काम करते हैं, और खासकर काफी बड़ा सेक्शन हमारी कंट्री का यह है जो यहां से जॉब पाता है। तो कैसे इसको लेकर चल सकते हैं उसके ऊपर फोकस दिया जा रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहां पर शक्तिकांत दास आज के गवर्नर है, मुंबई हेडक्वार्टर है, ब्रिटिश राज में इसको बनाया गया था। अब इसको बनाया गया था 1 अप्रैल 1935 में, और 1949 में इसको हमारी कंट्री में नेशनलाइज किया गया था, ठीक है। इसी के साथ में पहले हेडक्वार्टर इसका बंगाल में था, आज के में मुंबई में है। तो ये कुछ बातें हैं, ये जो मिनिस्ट्री बनाई गई थी एक पर्टिकुलर एरिया पर फोकस देने के लिए 2007 में इसको यहां पर बनाया गया था, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते। और हां, गिरिराज सिंह आज के में यहां पर मिनिस्टर हैं इंडिपेंडेंट चार्ज इनके पास में। आइए आगे चलते हैं, नितिन गडकरी जी भी लिखे हुए हैं कोने में, इनको भी याद रख लेना यूनियन मिनिस्टर, ठीक है, थोड़ा सा आइडिया रख सकते हैं। आइए आगे चलता हूं। नेक्स्ट जो बात की जा रही है यहां पर एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के बारे में बात की जा रही है। ये जो न्यूज है यहां पर, ये हमारी कंट्री की रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, ये नितिन गडकरी जी के अंडर में है। इनके द्वारा बोला जा रहा है कि मेथेनॉल का यूज करके ग्रीन हाउस गैस को रिड्यूस किया गया है। लोकसभा में इनके द्वारा ये बात बुलाई गई है। मई 2018 में जो गवर्नमेंट है उसने उसके द्वारा नोटिफाई किया गया कि यहां पर मास एमिशन स्टैंडर्ड के बेस पर यहां पर जो जो फ्लेक्स फ्यूल मेथेनॉल है यहां पर M15 और यहां पर M100 एंड यहां पर मेथेनॉल MD995 व्हीकल, ये बेसिकली यहां पर जो भी यहां पर जो व्हीकल है जो एमिशन करते थे उनके बारे में बात की जा रही है। तो उनमें ब्लेंड किया गया बेसिकली होता क्या है, देखिए मान लीजिए जैसे आप लोग आज के डेट में यूज करते हैं कोई व्हीकल, तो उसमें अगर मेथेनॉल की ब्लेंडिंग कर दी जाती है तो उसकी वजह से जो एक तरीके से धुआं निकल कर आएगा जो भी होगा वो ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो ये ब्लेंडिंग की जा रही है 15% और यहां पर जो देखने को मिल रहा है लगभग 85% यहां पर गैसोलाइन। तो यहां पर उससे फायदा क्या हो रहा है, उससे ये फायदा हो रहा है कि जो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन है वो काफी कम हो गया है जो ब्लेंडिंग की जा रही है फ्यूल में, जो ब्लेंडिंग की जा रही है उससे क्या हो रहा है, दो फायदे और देखने को मिल रहे हैं। मान लीजिए मेथेनॉल है वो कहीं से बनाया जा रहा है, गन्ने के रस से आप लोग मान लीजिए मेथेनॉल बना रहे हैं, तो उससे क्या फायदा हो रहा है, हमारे किसानों को भी उससे फायदा हो रहा है। और हमारी कंट्री में BS स्टैंडर्ड 4 चल रहा है, तो 5 को ओवरटेक करके हम लोग डायरेक्ट 6 पर जंप करने वाले हैं। तो ये भी नेक्स्ट ईयर 2020 से हम लोग जंप करने वाले हैं। तो उसके चलते भी यहां पर एयर क्वालिटी भी यहां पर बोला जा रहा है कि इंप्रूव हो रही है 5 से 10%। तो ये भी एक पॉजिटिव बात यहां पर आप लोग बोल सकते हैं। थोड़ा सा जान लेते हैं यहां पर ग्रीन हाउस गैस के बारे में। जैसे ओजोन हो गया, ओजोन लेयर की बात नहीं की जा रही है, ओजोन गैस ऊपर होता है वो अलग है, नीचे जो गैस रहती है वो तो वहां पर हेल्प करती है ओजोन वाली। तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, CFC हो गया, इसी के साल में HFC हो गया, वाटर वेपर हो
हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, तो ये कुछ बातें हैं, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, मेथेन हो गया, तो ये कुछ चीजें हैं जो आप लोग इनके बारे में याद रख सकते हैं। मेथेनॉल होता है ये CH3OH, ठीक है। इथेनॉल बोलते हैं इथेनॉल की बात करें तो उसको बोलते हैं CH2O5, नहीं ये नहीं बोलते हैं, आई थिंक क्या बोलते हैं, याद नहीं आ रहा है, माइंड से निकल गया। मेथेनॉल को बोलते हैं CH3 और उसको बोलते हैं, चलिए क्वेश्चन आप लोग बता दीजिएगा, जाकर सर्च कर लीजिएगा, एग्जैक्ट माइंड से निकल गया मेरे, आई थिंक याद नहीं C2O5 आ गया C2O5, ठीक है। तो C2H5 है भैया, आ गया याद ही कर दिया यार, याद करने में, चलिए जो भी है, ठीक है। तो एथेनॉल और मेथेनॉल इनके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, तो इसके बारे में कई बार क्वेश्चन आप लोगों से बन भी जाते हैं, जो साइंस वाला पोर्शन है ना आप लोग का, उस टाइम पर यहां पर पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये C2H5OH इसको बोलते हैं आप लोग एथेनॉल, और C3OH इसको बोलते हैं आप लोग मेथेनॉल, ओके। आइए अब आगे बढ़ता हूं, इतनी तो गारंटी यहां से हो गई है, अब आप कभी एथेनॉल और मेथेनॉल को नहीं भूलने वाले हैं, ठीक है। आइए बढ़ते हैं, नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं रिपोर्ट और सर्वे के बारे में। जो रिपोर्ट यहां पर निकल कर आ रही है यह है लेटेस्ट वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट, ये जो रिपोर्ट तैयार की गई है यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम जो है इसके द्वारा यहां पर यह तैयार की गई है। ये जो ड्रग है यहां पर ये एक तरीके से यहां पर आइडिया देती है कि किस तरीके से इफेक्टिवली चीजें ढंग से यूज की जा रही है और किस तरीके से मिसयूज करनी है। इस तरीके से यहां पर एक जो कोई रिपोर्ट आती है उसका बेसिक पर्पज यही होता है, जैसे मान लीजिए कैनबीज की बात की जाए, जैसे भांग वगैरह है, तो किस तरीके से यूज की जा रही है आज के डेट में वर्ल्ड वाइड। तो ये मोस्ट वाइडली यूज अगर ड्रग आप लोगों से कोई पूछे तो कैनबीज आप लोग बोल सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में भांग वगैरह जो आप लोगों ने सुना होगा। एस्टिमेशन ये है कि 180 मिलियन पीपल जो हैं आज के डेट में इसको यूज कर रहे हैं, 2017 के हिसाब से चलें 270 मिलियन जो पीपल हैं लगभग, ये यहां पर आप लोग देखने को मिलेगा जो 5.5%, ये यहां पर अगर बोला जाए इनका ग्लोबल पॉपुलेशन का जो 15 से लेकर 64 एज के बीच में है वो आज की डेट में यहां पर जो ड्रग यूज कर रहे हैं वो इस कैटेगरी में यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। बाकी अगर बात की जाए 35 मिलियन जो है आज के में अलग अलग डिसऑर्डर से सफर कर रहे हैं इन सब चीजों को यूज करने की वजह से। सबसे ज्यादा यहाँ पर जो ओपियोइड्स हैं यानी कि जो भी नशीले पदार्थ हैं ये अफगानिस्तान में ये उगाए जाते हैं, लगभग जो एरिया है उसके बारे में बात की जा रही है। दूसरे नंबर पर यहाँ पर म्यांमार में, एरिया याद रखनी जरूरत नहीं है, कंट्री याद रख लीजिएगा कितने हेक्टेयर में उगाए जाते हैं। तो ये एरिया नहीं, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है अफगानिस्तान, दूसरे नंबर पर म्यांमार, और दोनों के साथ में हमारी कंट्री की बाउंड्री मिलती है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा यहां पर एक नेशनल सर्वे ऑन एक्सटेंट एंड द पैटर्न ऑफ सब्सटेंस यूज ये 2018 में देखने को मिला, तो यहां पर ये निकल के आ गई 3.1 करोड़ जो इंडिविजुअल हैं वो कैनबिस यूज कर रहे हैं और 2.26 जो करोड़ हैं वो यहां पर आज के में ओपोइड यानी कि अलग-अलग यहां पर जो भी नशीले पदार्थ हैं वो यहां पर यूज कर रहे हैं, तो इसके बारे में आईडिया आप लोग रख सकते हैं। यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग की अगर बात की जाए तो वियना में इसका हेडक्वार्टर है, ये बेसिकली जो गठन किया गया था 1987 में, और यूएनटी इसका जो यूनाइटेड नेशन का ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और अगर बात करें यहां पर ये यूरी फेडोटोव ये यहां पर इसके आज के में हेड है, तो इसके द्वारा यहां पर ये रिपोर्ट सबमिट की गई है। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर एक हेरिटेज साइट के बारे में। तो जो आज की इंपॉर्टेंट हेरिटेज साइट है यहां पर ये बात की जा रही है आगरा फोर्ट के बारे में। आगरा फोर्ट यहां पर इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया 1983 में। ये यहां पर लोकेटेड है आगरा उत्तर प्रदेश के अंदर में, और यहां पर जो बनाया गया था ये 1565 से लेके 1573 तक, यानी कि 1565 ये 1573 अकबर द ग्रेट के द्वारा यहां पर ये बनाया गया था। बाकी जो ये आर्किटेक्चर स्टाइल है यहां पर ये मुगल का स्टाइल है, और यहां पर ओनर जो पर्टिकुलर इस एरिया का रहा है यहां पर लोधी डायनेस्टी के द्वारा लूर किया गया है, फिर मुगलों के द्वारा, फिर सूरी आ गई थी यहां पर, शेरशाह सूरी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये लगभग यहां पर जो 15 साल तक यहां पर रूल किया गया उस टाइम पर जो अकबर के पिताश्री हुआ करते थे हुमायूं, उनको मारकर भगाया गया था। फिर से यहां पर ये अकबर फिर से यहां पर पिक्चर में आ गए थे मुगल, और इसके बाद में मराठा, और इसके बाद में ब्रिटिश के द्वारा इस पर्टिकुलर एरिया को रूल किया गया है। ओके आइए अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बढ़ते हैं, आज का अब नजर डालते हैं आज के क्विज के ऊपर। ये आप लोगों के सामने आज का क्विज है जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले बात की जा रही है यहां पर तेलंगाना गवर्नमेंट के बारे में। तेलंगाना के गवर्नमेंट के द्वारा जापानीज नाम बताना है आप लोगों क्या है यहां पर, ये फॉरेस्ट कवर करने की बात की जा रही है लार्ज एरिया में, ठीक है, तो जापानीज टेक्नोलॉजी को यूज करके। नेक्स्ट यहां पर अभी एक रिसेंट पब्लिश की गई, किसके द्वारा पब्लिश की गई है, जिसमें यह बोला गया कि जो अगर हीट बढ़ती है तो लेबर प्रोडक्टिविटी यहां पर कम होती है, डिसेंट वर्क अच्छा नहीं हो पाता है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के बारे में, तो आप लोगों को यह बताना है मास्टर कार्ड के जो सीईओ हैं यहां पर अजय बंगा, और यहां पर अगर बात की जाए चेयरमैन है अजीम प्रेमजी विप्रो के, दोनों को कौन से अवार्ड के लिए यहां पर अनाउंसमेंट किया गया है। नेक्स्ट बात की जा रही है स्टेट एजुकेशन रिपोर्ट 2019 ये चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, ये जो रिपोर्ट है किसके द्वारा यहां पर ये इवेंट ऑर्गेनाइज कराया गया ये आप लोगों को बताना है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट बात की जा रही है यहां पर कमेटी का नाम आप लोगों को बताना है जिसके द्वारा बोला गया कि 5000 जो यहां पर करोड़ देने की बात की जा रही है एमएसएमईज के लिए। नेक्स्ट यहां पर यूनियन मिनिस्टर रोड ट्रांसपोर्ट एंड
हाईवे की बात की जा रही है, लोकसभा में उनके द्वारा बताया गया ग्रीन हाउस गैस को किसकी हेल्प से रिड्यूस किया जा रहा है, वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट यहां पर ये किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है, ये आप लोगों को बताना है। तो ये था टोटल आज का हमारा डिस्कशन, आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। मिलता हूं मॉर्निंग में नेक्स्ट लेक्चर के साथ में, आप लोगों का टेस्ट होने वाला है मॉर्निंग में, उसको आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। टेस्ट का पैटर्न जो रहने वाला है वो बेसिकली ये रहेगा कि मैं टेस्ट आप लोगों का क्वेश्चन दिखाऊंगा स्क्रीन पर, पढ़कर सुनाऊंगा और आंसर बताऊंगा, ठीक है। यहां पर आप लोग पूरे वीक का आप लोग देखते हैं कैसी आप लोगों की स्टडी रही। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार, तब तक के लिए जय हिंद।